السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم وعليكم. अभी क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। दिल अवेज टाइम पे आ गई है जी सर, माशाल्लाह। आपके लिए ये फायदेमंद है। क्या लाइन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी तो नमाज भी हो रही है, बस 2 मिनट में अटेंडेंस लगाते हैं, फिर शुरू करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी पिछली अटेंडेंस भी रहती थी। ओए हो, बड़ा जान, बड़ी जहीन और बची हैं सर। मेरी भी। अच्छा, चलो मैं अभी लॉगिन हो रहा हूँ उधर भी। जी एमफिल में कौन कौन है जिनके अटेंडेंस नहीं हुई थी लास्ट में? सर मी दिलावेज। सर मोहम्मद फियाज, मेरी भी लास्ट टाइम नहीं। भाई अपने माइक को बंद कर दिया करें, अगर आपका माइक सही नहीं है तो फिर कुछ स्पेशल नहीं। 2 तारीख को एक क्लास हुई, फिर 9 को हुई, 9 16 सर। ये पोर्टल पे 11 को भी एक क्लास शो हो रही थी, हालांकि नहीं हुई हमारी। आप सही कह रहे हैं, ये गलती से हो गई है। आप पीछे वाले लग नहीं सकेंगे, और मेरे ख्याल किसी ने इसको चेक करने के लिए की है तो जनरेट हो गई है। मुझे इसको डिलीट करवाना पड़ेगा, ये हम कर भी नहीं सकते। तो ठीक है, मैं अच्छा कोई बात नहीं, आपके मैंने नाम नोट कर लेता हूँ। कौन कौन है जिनकी अटेंडेंस मिस हुई थी लास्ट टाइम? सर जुलेखा आफ्ताब और मोहम्मद फियाज। मोहम्मद अनवर। अच्छा ठीक है, ऐसे है कि इसकी वजह से आपको शॉर्ट अटेंडेंस नहीं होगी, और ये हुआ ये है कि आपको कि नहीं जनरेट हो चुकी थी 3 लेक्चर नंबर 3 एंड वी आर नॉट अलाउड टू चेंज एनी अटेंडेंस इन द लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, तो हम सिर्फ इसमें कर सकते हैं 3 में, और 3 तो है नहीं हमारे पास, वो तो मुनासिब नहीं, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा। तो वालेकुम सलाम। अच्छा जी लेक्चर, सर मैं मोहम्मद उस्मैन। मैं अभी शुरू करने लगा हूँ अटेंडेंस। अच्छा भाई अब्दुल रजाक प्रेजेंट सर।
अमन प्रेजेंट सर। आमिर अब्बास प्रेजेंट सर। असद महमूद प्रेजेंट सर। आसमा बीबी प्रेजेंट सर। अवैस अहमद प्रेजेंट सर। अवैस आयशा कामरान आपका मोहम्मद वसी शायद आपने ये बंद करें, आपने माइक बंद करें। मोहम्मद वसी सर वैस आपका भी आवाज आ रही बंद कर दे। ठीक है ओके। आयशा कामरान यस स्क्रीन शेयर हो सकती है जी सर काइंडली अगर स्क्रीन शेयर कर देते ताकि पता चल जाए अटेंडेंस होगी या नहीं आवाज की वजह से कोई इशू तो नहीं। लो जनाब अब ठीक है हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर हो रही है। तो ये हमारे पास आयशा कामरान आयशा लियाकत सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। अस्मा बीबी अस्मा बीबी तो हो चुकी है। देखो क्या लगा हुआ है टिक लगा हुआ है जी सर। तो आयशा लियाकत दानियाल प्रेजेंट। दिलावे इजाजुल हक इजाजुल हक प्रेजेंट सर। अरवा प्रेजेंट सर। गुलाम मुर्तजा मरियम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मरियम मंजूर प्रेजेंट सर। गुलाम मुर्तजा है मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर। अहमद फरीद है आप जी सर। मोहम्मद फियाज प्रेजेंट सर। सर गुलाम मुर्तजा प्रेजेंट। तो पहले कहाँ थे मोहम्मद फियाज प्रेजेंट सर। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा फिर बोले फियाज प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आप किसी से सिस्टम के साथ पीछे बैठे हुए मोहम्मद फियाज मोहम्मद अनवर प्रेजेंट सर। ओके मोहम्मद जहीर मोहम्मद अमीर उल हसन अमीर उल अजीम मोहम्मद अयाज खान प्रेजेंट सर। ओके मोहम्मद हसनैन यस सर। नगीना फातिमा यस सर। निमरा प्रेजेंट सर। नूर रहमान प्रेजेंट सर। नूरुल एन प्रेजेंट सर। नौरीन कौसर प्रेजेंट सर। रमीजुल हसन प्रेजेंट सर। समीउल्लाह प्रेजेंट सर। शाहजेब शाहजेब यस सर। समैया लाल समैया लाल। सईदा अरीच प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। उमामा शहजादी प्रेजेंट सर। उमर फारूक प्रेजेंट सर। उसामा यस सर। और जुलेखा प्रेजेंट सर। एनीवन एल्स एमएस में कोई है जी जी इरफान अभी आपकी बारी आनी है। थैंक यू सर।
मैं एक्चुअली सर थोड़ा सा नमाज पढ़ रहा था बस, कल से आपकी तो नमाज वैसे ही हमसे 5-7 मिनट लेट होती है। यस सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सादिया बात कर रही हूं। जी सर, मेरी आपने अटेंडेंस लास्ट वाली में आपको लीव दी थी तो वो काइंडली लगा रहे हैं। लीव को हम छोड़ देते होते हैं सर, ये मेरी भी एग्जाम थी। लीव तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। इस एक अटेंडेंस को मैं अकोमोडेट कर दूंगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही? हां सर। ये 9 नंबर पे शेख जैन मजीद जी। सर 9 नंबर पे शेख जैन मजीद आप आए थे लास्ट टाइम? जी सर। ये पक्की बात है ना? जी जी सर। ओके जी सर, 1 नंबर पे आजाद बात कर रहे हैं। वो तो अभी शुरू तो करने दो, पहले ही अटेंडेंस लगी हुई आपकी, तो अल्लाह आपका भला करे। लेक्चर नया क्रिएट होगा ना, ये थर्ड वन। अच्छा भाई आजाद आप हो गया जी, आजाद ही है। फहद अल रहमान प्रेजेंट सर। मोहम्मद अम्मान यस सर। मोहम्मद इरफान यस सर। मोहम्मद अवैस प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल यस सर। मोहम्मद वसी यस सर। सादिया फारूक, शेख जैन यस सर। और प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। माशाल्लाह आप 10 हो गए हैं। जी सर। गुड कंपटीशन। अब ग्रेड लेने का मजा आएगा। पहले तो इरफान अकेला होता है, बाद जब अपने ग्रेड ए लेके आ जाता है। क्यों भाई इरफान सुन रहे हैं? यस सर यस सर। हाँ आप पता चलेगा ना, मजा आता है कंपटीशन में। यस सर। ओके ओके ठीक है जी। अच्छा भाई आज हमारे पास नेक्स्ट जो काम है उससे पहले, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। सबसे पहला काम एक एक्सरसाइज में एक एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको जरा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड्स डिस्कस विद यू। 5 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसको हम देख रहे थे, ठीक है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बोर्ड के ऊपर जैसे लिख रहा हूँ वैसे हम कर लेते हैं इंशाल्लाह इसको ना। हाँ जी दिस इज योर स्क्रीन, नजर आ रही है? यस सर। इट्स ओके। वी हैव सिंपल क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम नॉन लीनियर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इट इज दिस वन से x sine of x equal to say 50. You have to solve this one by using number one bisection, number two regular false, number 3 say secant method, number 4 Newton-Raphson method, number 5 say fixed point method,
by using these methods up to 4 decimal places. Balki if we write it here, correct up to 4 decimal places, so then it will be more better. Correct. Up to 4 decimal places. Next, I will write instead of decimal places as d dot p or dp, decimal places. That is, we have to fix our calculators on 5 decimal places. And after, in the last citation, you will round up that up to 4 decimal places. Then you will get the answer correct up to 5 decimal places. This is our important question. Here you have sine of x. This is the trigonometric identity. Trigonometric identity. If we have some trigonometric identity in non-linear problems, we have solving non-linear equations. If we have some trigonometric identity in non-linear equations, then your calculator mode calculator will be operated on radian mode, right? You have 3 types of mode, like degree mode, radian mode, and gradient mode. If you go to the format in calculator, you will get 3 options: degree mode, radian mode, or gradient mode. In numerical calculations, we will use especially in trigonometric identities, in the presence of trigonometric identities, we will use radian mode, right? Now, question here is, why we should use radian mode? Anyone else who can answer? Repeat the question. Why we use radian mode instead of degree for numerical problems in case of trigonometric identities? This is my question. Because when we prove L is equal to R theta, then we use theta. Exactly length. Right. When we prove L equal to R theta, we use theta and radian. Actually, theta length, then we measure length in form of a meter or centimeter when we put theta and radian. Actually, if we take the number of points, degrees will behave like this one. This is say 30 degree, this is say 45 degree, this is say 60 degree, and this is your 90 degree, and 120, and so on. This is 180, 270, and this is 360, right? Yes, sir. When we use the simple degree mode, so it means we are going towards this one. This is 1 degree, 2 degree. This is not possible in this case, right? We have to go round about this one. We'll go round the circle. That is why we will use radian mode, right? Yes, sir. So this is very, very important. If you are given such questions like this one, and you are using, say, degree, your calculators are fixed on degree mode,
So then question will get, you will get zero marks against that question if your question will be either correct by using degree mod. That will be considered as wrong question, right? This will be totally different from the others. So you must use radian mode, and on radian mode, the other calculation, the normal calculation will remain same. There's no difference between normal calculations at degree as well as radian or gradient mode, right? Therefore, yes, you sir. Should fix your calculators on radian mode every time. Clear? भाई बात समझ आ रही है ना? तो हमेशा calculators को आपने radian mode पे fix कर लेना है. और अगर radian mode नहीं किया, तो आपने degree पे किया है और question आपके पास जिसमें trigonometric identities you have, तो it means कि आपके पास ये गलत हो जाएगा. Your reward will be zero, absolutely zero. यानी ये भी नहीं है कि हमारे पास 1, 2, 3 marks दिए जाएंगे. यानी you doesn't have the concept to use the calculator on in numerical analysis. This is the basic strategy, and you should use calculator radian mode when you are given some trigonometric identity. So therefore, it is very easy to convert the your calculators on radian mode for every time. Right now we have this question, how we have to solve this. I am just going to solve by using one method, and you will solve it and you will give me the answers by using Newton-Raphson method how we can solve it. G, first of all we have to solve this one. One or two things are very very important in this problem. This is a sinusoidal graph. We can see that this is sinusoidal graph, and the value of the sine doesn't exceed from 1 and never comes less than -1. It means your sine value is sine of x should be greater than -1 or equal to 1 and less than equal to 1. The range of the sine x is this, from -1 to 1. So here we have a problem to choose A and B such that the product of these two, that is f of A into f of B, should be less than 0. This is the basic strategy how we can search out the two points at which the value of the functions having opposite signs. Baat samajh aa rahi hai? So first of all, you have to find A and B. How we can find out A and B? Haan bhai. Please calculate on your calculators. First of all, use radian mode, and then you have to search. And your function here is, if we see from here, this is your f of x is given to you as, say, x sine of x -50 will be. We have to make the function at 0. You have studied that. Your function, your equation is like this one, f of x equal to 0. And the left hand side, the whole function which is equal to 0, then this will be said to be as your function. Now we have to substitute different values for x here, and you will get a and b such that this condition will satisfy. Nikale bhai, please. ये क्वेश्चन आपको लड़ाने के लिए भी काफी है. मैंने एक फिक्रा बोला है, देखना है कि आप इसको सेटिस्फाई करता हूं कि नहीं करता, लड़ाई करवाता हूं कि नहीं करवाता. सर 41 पे नेगेटिव आ रहा है. ओके, this is a question of common sense. From where you have to start? You have started from 0, 1, 2, 41. I think this is not a problem. 45 pe negative aa raha hai, positive aa raha hai. Kya, what have 45 pe positive sir, 49 pe to -96 point something aa raha hai. Okay, dekha ladai shuru ho gayi hai. 45 pe sir positive hai aur 41 pe negative. Have you set your calculator on radian mode? Yes, sir.
45 you have negative value. Sir, 45 में भी negative है. X sine of X. Okay. I'm going to delete this portion, right? सॉरी सर मैंने 50 नहीं देखा उसको मैं अरेंज कर दूँ. हाँ देखा पॉसिबल ही नहीं है. और ये 700 पे पॉजिटिव है वैसे काफी आगे जा के आ रहा है. कितने पे? 700 पे. अल्लाह अकबर. फादर रहमान यू हैव जंप्ड. सर मैंने काफी देखे 100 200 300 सारे देखे हैं सब पे नेगेटिव आ रहा है सर. ये आपने अपने 500 तक 500 तक जंप लगाया है अपने हिसाब से जंप लगाया. मैंने सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने की कोशिश की है. सर ये 360 पे पॉजिटिव आ रहा है वैसे. वेरी गुड. और अभी तो मैंने कहा मैंने आपकी लड़ाई करवा सर 90 और 94 पे. तो ये एक और बोल रहे हैं पीएजी वाले पता नहीं क्या इनको है पता नहीं सारे सही हूं. सर 94 पे नेगेटिव है. फर्स्ट थिंग इज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर दैट सर 57 और 58 पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव. वेरी गुड. मतलब सारे ठीक हो सकते हैं. यू हैव अ ग्राफ ऑफ दिस वन लाइक दिस वन सिंस दिस इज अ सर 90 और 270. लिसन टू मी इट्स यू आर आल्सो राइट लाइक दिस वन राइट. यू हैव इनफाइनाइट रूट्स इन ऑफ दिस इक्वेशन लाइक दिस वन वन रूट सेकंड रूट थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन एंड सिमिलरली यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिस वन आल्सो एंड टुवर्ड्स द राइट साइड आल्सो. यू हैव इनफाइनाइट रूट्स right. First thing is this one. First of all, from where we have to start the calculation. Suppose the ideal condition is this. You know, abhi maine likha tha sine of x is greater than or equal to minus 1 and less than or equal to 1. Suppose x is 50 and sine of 50 minus 50. We have to calculate this one. Ideal condition is this one. If not necessarily it is equal to 1, if this equal to 1, then this will be positive, right? This will be 0. This whole factor will become 0. Yeah. It means there will be no value at value of x at which this function will become become less than that is negative. positive. For positive value, it must be greater than 50. Not equal to. Right? It should be greater than 50. Yani, agar hum isme 50 se zyada value substitute karein, 51 substitute karein, aur 51 pe ye, agar 1 aata hai, to positive hogi. Baat samjha rahi hai na? Isse niche to sochne ki zarurat hi nahi hai, ki hamare paas sari values negative aa rahi hai. Haan. फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ये नेगेटिव आ जाए और ये भी नेगेटिव आंसर आए तो फिर पॉसिबिलिटी है. यानी जीरो से लेकर हमें 50 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है. इसको तो भूल जाए ना. यानी ये कहा जैसे अभी इरफान ने कहा कि सर 43 पे हो रहा था तो साइन चेंज और मैंने नहीं माना. 700 वाले के मैंने मान लिया. अफाद की बात ही मान ली. एक बच्ची बोली उन्होंने उनकी भी मैंने मान ली. अभी मैं उमर फारूक बोले थे उनकी भी मैंने मान ली. जिन्होंने बोला मैंने सारों की बातें मान ली. अब हुआ क्या कि आपका तकरीबन किसने कहा है कि मेरे पास ये 57 और हाँ भाई क्या रूट बताया था जी वो गलत था. उन दोनों पे नेगेटिव आ रहा है. 55 और 57 पे नेगेटिव आ रहा है दोनों पे. 59 पे सर 57 पे चेक करें एक और एक 58 पे. सर 51 एंड 52 नेगेटिव पॉजिटिव. 59 पे सर नेगेटिव है. 58 पे पॉजिटिव आ रहा है. 52 पे पॉजिटिव है और 51 पे नेगेटिव साइन है. वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं क्योंकि हमारा
एक सर्कल जो है इसके अंदर कितने रेडियन होते हैं? सात के करीब, टू पाई रेडियन, टू पाई रेडियन होते हैं। यस सर। भाई सेवन के करीब ही होते हैं ना? यस सर। सेवन के बाद हर दफा इसका साइन चेंज होगा, ये भी एक कॉमन सेंस की बात। यस सर। साइन ऑफ दिस फंक्शन विल चेंज आफ्टर अबाउट 7 to 8 वैल्यू। इसलिए ये लड़ाई कराने वाला क्वेश्चन है, सारों की बातें ठीक होंगी। सर 51 पे नेगेटिव है, 52 पे पॉजिटिव है। क्या करें, 63 पे क्या आ रहा है? हाँ नेगेटिव है सर। नेगेटिव 63 पे नेगेटिव है। और 58 पे क्या आ रहा था? 58 पॉजिटिव है। 58 पॉजिटिव है सर। इन दोनों के दरमियान में रूट है। चलो 72 पे चेक करें क्या रूट आना है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव, नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, चेक करके देख मुझे बताएं। चलो सर किसके दरमियान? 64 पे करें, 5 6 7 8 9 70 71 चेक करें सर। 71 पे पॉजिटिव है। 64 पे पॉजिटिव है। 71 पे भी पॉजिटिव, राइट? यस सर। 65 पे भी पॉजिटिव है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं। मैंने क्या कहा है कि 71 point something, which change karenge to you will get change value. Ye dekho ye sara circle change hota hai, ye values ki change hoti hai, to ye must be aana hi aana hai, theek hai na. You have in finite number of roots of, against this equation, and we have to just find out just one root. Either you may take 58, you, you have positive sign 50, at 59, you have negative sign, one root lies between this and this, one root lies between this and this, right? Maybe at 63 is negative, maybe it will be, this will be positive at 58, you may take one root between this and this, jo marzi le le aapke paas aaye. It's very beautiful method. Suppose you have taken your initial guess is x naught will be say 71, say 71. You may take the midpoint of these two. Either you have taken 71 or 72, then your root will converge near 71. Although you have root at your alpha is say at seven, near 70 something. तो ये आपका रूट 70 के करीब उसी के करीब घूमेगा। यानी इफ यू हैव टेकन दिस ए एंड दिस बी, देन योर रूट विल कन्वर्ज एट दिस रूट इन बिटवीन दीज टू। बात समझ आ रही? ये नहीं होगा कि आपने ए ये रख लिया, ये रख दिया तो रूट आपका ये आ जाए, ये कभी नहीं होगा। इफ यू हैव टेकन दिस बी एंड दिस ए, देन रूट विल कन्वर्ज बिटवीन दिस एंड दिस एट दिस पॉइंट। This is the beauty of this method. But I may call it beauty of these methods, all these methods. Now, we have taken x naught as 71. Now, we have to convert this one. What is this one? F of x is given to you as this is how we have to solve it. X sine of x minus 50. We have to take the derivative of this one, that is f prime of x, and this is first function, derivative of this which is cos of x, and plus second function, and derivative of first which is 1, and the derivative of 50 is 0. This is, what about your formula? Your formula is this one, g xn plus 1 will be equal to xn minus fxn divided by f prime at xn. Now, putting these values, xn, it will remain xn minus value of the function at xn, that is, we will replace x by xn here. We will get this one xn sine of xn minus 50 whole divided by derivative of the function at xn. That is, this will become xn cos of xn plus sine of xn
Now we will take the derivative LCM, and here LCM will be this one, xn cos of xn plus sine of xn. If we multiply with this one, we will get here xn square cos xn plus xn sine xn, right? And this will be minus xn sine xn, and minus minus plus 50. This factor will cancel with this one. You will left with the only this factor, xn square cos xn plus 50 divided by xn cos of xn plus sine of xn. This is your iterative formula. Now we have to substitute the values in this one. First of all, I'm going to delete this. Sir? Ji. Sir, ek choti si baat karni thi, if you don't mind, sir. Ji, please. Sir, na. शेयर स्क्रीन पे जाके सर ना व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन आती है वहां पे ना सर वो स्लाइड्स बनती जाती है नेक्स्ट करते जाए ना तो आगे स्लाइड आती जाती है सर अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारे मैं आपकी बात सही है मेरे लिए ये कोई इशू आ रहा था इस पे प्रॉब्लम एक आ रहा था शेयर स्क्रीन के बाद जब वो बोर्ड आता है ना तो इसमें जो पेंसिल जो है ना वो गायब हो जाती है मैं अभी फिर करके देख लेता हूँ आपकी बात ठीक है इट्स ओके हमारे उसका पीडीएफ भी बन जाता है जी जी सर उस आप बिल्कुल उस तरह कर लेंगे ना सर वो हमें फिर बाद में अगर वो पीडीएफ मिल जाए ना थोड़ा देखना मैं दोबारा एक दफा करके देख लेता हूँ इस सीजन में मैंने नहीं किया लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आ रहा था राइट कुछ सेटिंग में इश्यूज आते ये हमारे पास हो गया शेयर स्क्रीन दिस इज व्हाइट बोर्ड ये हमारे पास आ गया अब यहाँ पे हमारे पास जो ये आ रहा है हमारे पास एक मिनट अब इसको अगर मैं वापस लेके जाऊं तो मेरी पेंसिल कहां जाएगी ये देखो ना ये चीज आ जाती है इसमें टेक्स्ट में अगर आता हूं तो फिर ये नहीं आ रहा सिलेक्ट में यहाँ एक ऑप्शन आती है जो कि खत्म हो जाती है मेरे पास अब पेंसिल गायब होगी बात समझ आ रही नजर आ रही है ना आपको जी जी सर आ रही अब ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास इसमें ना कुछ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा था ये देखो ना इसमें कहीं भी पेंसिल की ऑप्शन ही नहीं आ रही आप अब इसके लिए मुझे फिर प्रॉब्लम बन जाता इसलिए मैं उसको कर नहीं सकता क्यों नहीं हो रहा मगर मैं चलो आरटी वालों को कहूंगा एक और तरीकेकार भी है अगर इसको शेयर स्क्रीन करें तो हमारे पास आईफोन वाला ऑप्शन आती है ये आईफोन पैड शायद इसमें सर आप रेज किया ही ना करें आप जस्ट वैसे क्रॉस कर दिया करेंगे ये मिस्टेक है या नहीं लिखा नेक्स्ट नहीं असल प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम कुछ और है सर मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि जब तक वो पता नहीं उसका चल जाता ना जी जी आप सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं मैं सर वैसे अगर यूज करता हूँ ना तो वो फिर मैं सर उसको ना स्टॉप करके स्क्रीन स्टॉप करके शेयरिंग दोबारा करता हूँ तो वो फिर सही हो जाता है ये देखो ना आप दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा ये चीज आ गई ये देखो ना ये पेंसिल आ गई है जी जी इसका मकसद ये तो नहीं है कि मकसद कि ये हो अब मिसाल के लिए फॉर्मेट है तो मैं इसको बड़ा भी कर दिया अब ये बोर्ड भी लिखेगी अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके करता हूँ इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये चीज ये डिलीट होगी लेकिन अब पेंसिल फिर गायब हो जाती है सर आप सिलेक्ट ना किया करें सिलेक्ट ना करें तो कैसे चले ही भी नहीं चलता सर कंट्रोल जी कर दिया करें
देख लेते हैं इसको क्या ये सर बड़ा गुड आइडिया है सर, वो डू अनडू वाली ऑप्शन भी है ना, डू वाली कर लेते हैं ना, ये चीज हमारे पास है और कंट्रोल जी से अगर जाता तो ठीक है इससे कर लेते हैं। ओके और सर ये नेक्स्ट स्लाइड भी होती जाती है ना सर, हां ये नेक्स्ट स्लाइड होती जाती है, ये तो खैर इसमें ऑप्शन है और पीडीएफ भी बन जाती है, ये यहां पे आप सेव कर देते हैं ना, ये देखो ना सेव कर देते हैं पीडीएफ में सेव कर हो जाता है जी बिल्कुल सर, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। ओके ये हम इसको लिख लेते हैं, करते हैं इससे शुरू कर देते हैं। ओके जी थैंक यू सर, अगर ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह कल आईटी वालों से मैं करवा लेता हूँ, ठीक है ना, वो भी जरा बेहतर हो जाएगा शायद उससे हमारे पास। जी जी सर थैंक यू। ओके हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस 50 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इससे मेरा ख्याल मैं इसको ना कल पर रखता हूँ, इसको भी जान लें, इसमें थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें अभी इसका ना स्पीड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखें ऊपर लाइन पड़ जाती है, मैं जब तेजी से लिखूंगा ना तो ये नहीं लिखेगा, ये वही यूज कर लें, हाँ वही करते हैं कल, बाकी इंशाल्लाह करते हैं आपको करवा देंगे, वो भी कर देंगे इंशाल्लाह, नो इशू, वो तो कर ही देंगे ना। यस सर। अच्छा भाई नाउ दिस इज आवर फार्मूला, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन, ये हमारे पास ठीक है, वी हैव टू टेक एक्स नॉट एंड वी हैव टेकन हियर एक्स नॉट इक्वल टू ये हमारे पास आ गया एक्स नॉट, हाँ जी कहाँ पे ले लें 71 ले लें कोई भी ले लें, तो क्या होगा हमारे पास एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर पुटिंग एन इक्वल टू जीरो इन दिस आइटरेटिव फार्मूला वी विल गेट एक्स नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स एन एक्स नॉट प्लस 50 divided by x naught cos of x naught plus sin x naught just replacing x naught with 71 square cos of 71 plus 50 divided by 71 cos of 71 plus sin of 71। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है, जी सॉल्व करें प्लीज, यूज फ्रैक्शन एंड कैलकुलेटर that will be easy and time saving, you have to use fractions, pata hai na kyun bhai, fractions mein ye cheez aa jati hai this divided by this one, ye sir yes sir 71.83 ji double 3 2 3 now replace 71 with this answer and this is your answer, maine last time aapko bata diya tha ki how we can use it, just replace this with answer, this is ans, this is answer, this is also answer, this will become answer, just you have to replace 71 with ans on the second most लाइन में जो आपके आंसर आ रहा है कॉलम के अंदर बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू पे आंसर जिस पर आप करते हैं जी सर, ये मुझे लग रहा है मेरे पास जो आंसर आया 69 पॉइंट समथिंग आया, चलो कोई बात नहीं फिर कन्वर्ज हो जाएगा, हमें क्या लड़ने की जरूरत है, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं किसी को इंकार नहीं करना इस क्वेश्चन में,
ये हमारा मेथड इतना खूबसूरत है कि बड़ा तेजी के साथ एक आइटरेशन का फर्क पड़ जाएगा, फिर वो इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। सर फोर्थ एंड फिफ्थ आइटरेशन हो रहा है? यस सर। ये कितना आ गया? 71. दूसरे पे क्या आ रहा है? X2 क्या आया? 71.51870 5, but we have to round it to make it x equal to 71.4820, because ye this is greater than 5, so this will become 9, 10, and this will become 20. So this will be correct up to 4 decimal places, right? Up to yes sir 4 decimal places. ये हमारे पास। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अदर मेथड्स आल्सो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्यूरेसी इन बाइसेक्शन मेथड इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत मुश्किल है वहां पे, उसके मीन लेना होता है और मीन के बाद आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। आज हम वो भी चीज देखते हैं कि हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन कोई उसके फायदे भी तो होंगे ना, ठीक है? हम यानी क्वेश्चन सर हमने ये जो 71 लिया है ये डिग्री में लिया है रेडियन में लिया है? रेडियन में Samiullah, can you hear me? Noor Rehman. Present, sir. Are you sitting together? Yes. No. Okay, He is in Afghanistan. He is in Afghanistan? Yes, I am there. Okay. He is enjoying Corona? Yes. Samiullah, you have to make your system better and you should use internet better from this one. Okay. Next, we are going to go. We have another very important thing. What is the application of this one? We are doing equation. आप पहले कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहे थे, हाउ वी कैन यूज द कैलकुलेटर टू सॉल्व न्यूटन रैफसन मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी कैन मेक कैलकुलेटर बाय यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। यानी हम कैलकुलेटर को कैसे बनाते हैं? कैलकुलेटर तो हमने ही बनाया हुआ है ना, ठीक है ना, और हम बना के तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सपोज आप अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें तो ऑन द फर्स्ट और सेकेंड रो you have like this one on calculator, one or y aa raha hai kuch? You yes, have like this one x power one, yes, or y. It means
you have to take the yth root of x. Just like this one, if you write this one, x equal to 1 by 2, what mean by it? Square root of this one. Square root of x, right? Since this is equal to x square root. If you have this one, say x power 1 by 3, then it means cube root of this one. Root of x. If you put this equal to say 8 power 1 by 3, your answer will be equal to 2. ये कैसे आता है इसको हम देखते हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड द nth रूट जस्ट लाइक दिस क्यूब nth जनरल. आई एम गोइंग टू सॉल्व द जनरल क्वेश्चन. Nth root of x by using Newton-Raphson method. How we can proceed it? Let suppose the number is n. Isko aap n kehte, no issue. You are going to find out the nth root of some number. Say number is n. N power 1 by n. If we easy this, suppose, main aapko ye keh deta hoon, ke just you have to find the 7th root. Then, 7th root. So it will become, मैं आसान कर रहा हूं, जनरल नहीं करता, बाद में जनरल कर लेते हैं. दिस विल बी 1 बाय 7. क्यों भाई? इफ n इज एनी नंबर, से n इज एनी नंबर, सपोज दिस इज योर n, 8 इज योर n, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूब रूट, एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द 1 बाय 7th रूट ऑफ दिस वन, यानी 7th रूट ऑफ दिस वन. हाउ वी कैन फाइंड आउट? लेट दिस इक्वल टू x. x इज आवर सॉल्यूशन. से x is what? What is x? X is the 7th root of n. ये हमारा 7th root है. तो हम क्या करेंगे? Taking 7th root on both sides, taking power of 7 here, right side will become n. And your non-linear equation is this one. आपके पास ये equation बन गई. And suppose this is equal to f of x. Your function is like this one. You will solve this by using Newton-Raphson method. तो हमारे पे यहाँ पे डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? क्यों भाई? 7x6. This is zero. Minus one. This is constant. No. N is constant and derivative of n will be equal to zero. Yes. So, yes. Formula हमारे पास ये चीज़ है. This will be equal to xn minus f of xn over f prime at xn. This will be equal to say xn plus 1 will be equal to xn minus fxn, mean xn 7 minus n divided by f prime of xn, that is 7 xn power 6. Taking the LCM, we will get 7xn power 7 minus xn power 7 plus n divided by 7xn power 6. After simplification, the numerator will become xn 7 plus 6, plus n. ठीक है जी? ये हमारे पास. Actually, this is a formula which is used, which are working behind your calculator to find out the 7th root of that one. Right? Ye hamara formula.
how we can verify it? Suppose n is given to you, you as say, मैंने यहाँ पे 8 लिखा था, तो मैं 8 ही ले लेता हूँ, say 8. So what will be the equation? xn plus 1, and this will be equal to 6n, xn power 7 plus 8 over 7xn power 6. Here you have equation against n equal to 8, that f of x will become here x 7 minus n, that is 8. Kya karenge? Make a table. We need a initial guess. Say for this x and f of x, at 0, you have minus, that is negative. At 1, this is again negative. At 2, this will be positive. Your root will be between 1 and 2. So taking x naught, say, koi bhi le le, 1.2 le le, 1 le le, whatsoever you like, ye hamare paas aa jayega. Now, भाई इसकी रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे तो आपके पास ये सारी चीज लाइव लिखी हुई होंगी, आप उसके अपने नोट्स उससे बना सकते हैं, इससे मैं पूछ ही ना कि मिटाने के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से अगर x नॉट इक्वल टू दिस वन, तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, x वन कैसे आएगा, 6 इंटू 1.2 होल पावर 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.2 whole power 6. हाँ भाई किसके इक्वल आता है, या फाइंड आउट करें, शाबाश। इट विल बी बिटवीन 1 एंड 2, इट शुड बी। जी सर, 1.41131 ठीक हो गया जी? अच्छा जी, x2 विल बी इक्वल टू, रिप्लेस दिस here as ons and find out the value. 1.34632. 35 4 3 2 G, next 1.34590. Next. Same aage, sir. Chalo. Ye aapka answer aage. What is this one? Actually, this is the seventh root of this one. Aap calculator se ye find out karke dekho, yehi answer aata. हाँ भाई, कैलकुलेटर में दूसरी लाइन पर बटन मौजूद है। यस सर, सेम है। तो ये कैलकुलेटर तो आप ही ने बनाया हुआ है ना? यस सर, सेम है सर। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन। एक्चुअली जो हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर पीछे जो काम हो रहा होता है, दैट लाइक दिस वन, और उसमें न्यूट्रल ऑप्शन मेथड को यूज किया जाता है, जो कि और वो अगर आप इसकी बहुत बड़ी वैल्यू ले लें इंस्टेड ऑफ 8, तो वो आपको पता है कैलकुलेटर थोड़ा टाइम भी लगाता है, टाइम लगाएगा। मिसाल के तौर पर 1000 की पावर 1/7 लें, तो आप दिखाएंगे ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी आइटेशन पूरी कर रहा होता है। बात समझ आ गई? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर न्यूटन रैफसन मेथड ऑन हाउ वी कैन फाइंड आउट मेक अ कैलकुलेटर बाय यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। दिस इज अ वे, राइट? ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन? अब हम इसकी मैं ज्यादा न्यूट्रल रैफसन मेथड पे क्यों फोकस कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ मेथड्स की रेट ऑफ कन्वर्जेंस को देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। एनी क्वेश्चन? अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आज के जो करवाने थे वो तकरीबन करवा दिए, देखते हैं बाद में कोई अगर एक आध करवाना पड़ा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होना है, बाकी ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन भाई, कोई बात पूछनी हो? मैं मिटाने लगा हूं इसको। अच्छा भाई,
next topic is error analysis of iterative methods. Error analysis of iterative methods. इन सारों को हम iterative methods भी कहते हैं. For iterative methods, for कौन से हमारे for non-linear. Equations in one variable. Actually, we are discussing here one variable only. First one is definition. Sorry. Definition. Kiski definition hai? Order of order of convergence of an iterative method. सबसे पहले what is the order of the convergence? किस तेजी के साथ एक method converge हो रहा होता है? जितना उसका ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी उसकी कन्वर्जेंस रैपिड होगी. कैसे? डेफिनेशन में इसको आप लिख लें. सपोज दैट एक्स एन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशंस फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी. वी हैव infinite iterations we can make from 0 to say if n equal to 0 you have initial guess, for n equal to 1 you have first iteration and then second and so on up to 100 maybe 1000 iterations, you have infinite iterations. This is the sequence of iterations, is a sequence of sequence of approximations or iterations. For an exact root alpha, since our aim is to find the exact root, one real root, and suppose this is your for an exact root alpha, suppose that is alpha of a nonlinear equation, f of x equal to 0. If this sequence converges to alpha and there exists say some positive real number P and C such that limit say n approaches to infinity x n plus 1 minus alpha over xn minus alpha whole power p, right? This equal to say n number c. We have two numbers p and c. p here is
This is the power of xn minus alpha. Actually, xn plus 1 or xn, these are the two consecutive approximations. If we take the difference from the exact root, then their ratio will be equal to some real number. अगर ये रियल नंबर आती है तो then p is called, ये जो p नंबर आ रहा है p is called order of convergence of that iterative method. ये हमारे पास this p is called. Now we have to prove in the next topic, we will prove that this p is equal to 1 will be 1 for bisection method. And p equal to 2 for Newton-Raphson method. And p equal to 1 point something like, just a minute, 1.5 something, 1.6. And this equal to p equal to 1.618 for regular false position method, as well as for secant method, or secant method also. Secant. The maximum value of p here is p equal to 2 for Newton-Raphson method. The greater the value of p will be, the most rapid the method will be. उतना ही मेथड हमारे पास रैपिड होगा. तो यहाँ पे सबसे फास्ट हमारे पास, मैंने जबानी बताया था कि न्यूटन-राफ्सन मेथड बहुत ही तेज होता है और ये दौड़ता है, क्या उछल के जाता है. और p इक्वल टू 1 फॉर बाईसेक्शन मेथड, वो सिर्फ जमीन पे चलता है, यूं समझ ले, समझने की खातर बता रहा हूँ. और p इक्वल टू 1.615 का मतलब ये है, वो थोड़ा सा छलांगे लगाता है लेकिन छोटी छोटी छलांगे. तो इसलिए Newton-Raphson method जो है वो सबसे तेज है. अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे. फर्स्ट वन इज बाइसेक्शन मेथड, कि y p equal to 1 इन केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड. ये हमने पहला काम कर, ठीक है भाई सर. काइंडली एक दफा ये डेफिनेशन को जरा क्लियर कर, सिर्फ ये हमने करना है कि सपोज वी हैव xn, यानी दीस आर द n अप्रोक्सीमेशंस, डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस from n equal to 0 to infinity. You may write this as this one. Iski bajaye na hum isko hum yun bhi likh sakte hain, say x naught, x1, x2, this one xn and so on. Yani infinite jitni hame zarurat hoti hai, n to koi bhi number ho sakta. So these are the different approximations. This is a sequence of approximation from n equal to 0 to infinity. And alpha is your exact root. Alpha हमारा क्या? Exact root. तो उस सूरत के अंदर अगर हम यहाँ पे ये formula find out करने की कोशिश करें कि xn plus 1 minus alpha, alpha exact root हो गया, ये हमारे पास nth root हो गया, n plus 1th root हो गया, ये nth root है और ये alpha फिर exact root है. इसके ऊपर p power लें तो कोई real number आएगा, real number. अभी मैं करके दिखाता हूँ. और उसको limit अगर apply करें तो real number आ जाए. तो उस p को हम जो कहते हैं, उस p को हम क्या कहेंगे, order of convergence of that method. इसको भी हम proceed करते तो फिर उसके बाद देखिएगा कि किस तरीके से दोबारा definition को दोबारा देख लेंगे. No issue, right? It's very very important. Paper में भी definition आ जाती होती है, ठीक है. अब्दुल रजाक पूछ रहे थे. Yes sir, ठीक sir. Yes. Now, first one is bisection method. Say,
you know that x1, if you have find two values a and b such that the product of the values of function at a and b is less than zero, then your root will be x1 will be equal to a plus b over 2. That's the midpoint of 2, right? Yes, sir. Error kya hoti? See, e1 is the error. Suppose e1 is the error, then error mean the approximate root minus exact root, and it's, we will take the modulus value of this one. And in this bisection method, it should be less than b minus a over 2. Kya khayal hai? Hogi ya nahi hogi? Kaise hogi? Haan bhai. Suppose this is your graph. Ye hamara graph hai. Say this is your a. Ye wala. And this is your f of b and this is your b point. Ye f of b hai. Ye aap f of a lete hai. इस केस में हमें जरूरत नहीं है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की, वी जस्ट वी नीड साइन. अगर इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीस टू, एक्स वन ये आ जाता है, क्या आता है, ए प्लस बी ओवर टू. अल्फा क्या है, दिस इज योर अल्फा एग्जैक्ट रूट, ये अल्फा हमारे पास, एट विच द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस से एंड दिस योर वाई एक्सिस, तो दिस इज योर एग्जैक्ट रूट, द कर्व इज y equal to say f of x. तो यहां पे ये कट कर रही है, तो दिस योर अल्फा. अब अल्फा अगर एग्जैक्ट रूट है तो हमारे पास क्या, मैंने कहा x1 minus अल्फा, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर, इतनी एरर आ रही है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड पेंसिल से लिखना चाहूं तो ये आपके पास एरर आ रही है, ये वाली, दिस इज एरर. ठीक है भाई, क्लियर है ना. अब ये एरर जो होती है इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दे, मींस इस सारे में मीन यहां से लेकर ये वैल्यूज में से सिर्फ इतना हिस्सा सबट्रैक्ट कर दे तो उससे छोटी होती है, ये हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इस एरर से. ये लिखा है मैंने b माइनस a ओवर 2. अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे ये वैल्यू आ रही, अब इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा और आपका से ये आ जाता रूट, तो दिस इज योर से x2. तो x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 विल बी इक्वल टू से x1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस वन, से x2 राइट, और प्लस b x1 प्लस b, ये देखा ना, ये x1 और प्लस b, इनको दो पे डिवाइड कर दो, यानी वी हैव टू टेक द मिड पॉइंट ऑफ दीस टू. एंड व्हाट अबाउट x1, x1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b ओवर 2 प्लस b ओवर 2, इट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस 2b ओवर 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 3b ओवर 4. तो यही आएगा, ठीक हो गया. यस सर. अब एरर क्या है, एरर इन द सेकंड केस, उसको हम एरर नंबर 2 कहते हैं, e2 हमने फाइंड आउट करना है. e2 विल बी इक्वल टू जस्ट लाइक अबव स्टेटमेंट, x2 माइनस अल्फा मॉडुलस वैल्यू विल बी द एरर व्हिच शुड बी लेस देन, क्या होगा हमारे पास, b माइनस x1 ओवर 2 जस्ट लाइक दिस वन, के b माइनस a, अब b माइनस a की वजह क्या आ गया, x1 ओवर 2, ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x2 हियर, x2 इज दिस वन, तो इसका मतलब यहां पे जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x ये बनता है a प्लस 3b ओवर 2, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास. हम e2 फाइंड आउट कर रहे थे कि b माइनस x1 ओवर 2, बल्कि इसकी ना आप ऐसे करें, डायरेक्ट ये कर, मैं डायरेक्ट इसमें कर देता हूँ, इसकी जगह ये हमारे पास, हाँ भाई दिस विल बी इक्वल टू, इक्वल लिखना चाहिए जब दोबारा लिखते हैं ना,
अगर आप राइट हैंड नहीं लिख रहे लेफ्ट हैंड तो इक्वल लिखना, ये रूल है भाई, दिस शुड बी इक्वल, यानी ये चीज इससे लेस ही कंसिडर होगी। बी माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो ये थी, इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बी माइनस ए प्लस बी ओवर टू डिवाइडेड बाई टू एंड दिस विल बी इक्वल टू टू बी माइनस ए माइनस बी ओवर फोर एंड दिस विल बी इक्वल टू बी माइनस ए ओवर फोर। और अगर मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं ए ओवर टू पावर टू, ठीक है भाई, दिस इज योर ई टू, यानी ई टू शुड बी लेस देन दिस वन, इक्वल का बटन इसलिए हम साइन इस्तेमाल करें क्योंकि ये लेस एक दफा आ गया है, अगर लेफ्ट साइड पूरी ये भी मैं लिख दूं तो दिस शुड बी लेस देन दिस वन, राइट, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ई टू इज लेस देन बी माइनस ए ओवर टू पावर टू, ये वैल्यू मान ई वन इज लेस देन बी माइनस ए ओवर टू, इन ऊपर वाला फैक्टर सेम आ रहा है हमारे पास, ये जब फर्स्ट एरर निकाले तो टू पावर वन, जब सेकंड एरर निकाले तो टू पावर टू, अब हम थर्ड एरर की तरफ जा रहे हैं और एक्स थ्री को फाइंड आउट कर रहे हैं कि से एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू हो जाता है, एक एक्स टू ये आ गया ये एक्स वन आ गया तो हमारे पास क्या आएगा एक्स थ्री, दिस विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, दोनों की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी a प्लस बी ओवर टू प्लस x2 की वैल्यू हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये निकाली थी a प्लस थ्री बी ओवर फोर, a प्लस थ्री बी ओवर फोर सॉरी निकाली थी ना हमने और डिवाइड बाय टू ये वाला टू, यस सर, जस्ट टेकिंग द एलसीएम दिस विल बी इक्वल टू टू टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये टू ए प्लस टू बी प्लस ए प्लस थ्री बी ओवर एट ये बन जाएगी और ये दोनों इकट्ठा करो तो ये आ जाएगा थ्री ए प्लस फाइव बी ओवर एट, ये एक्स थ्री की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी अगर ए और बी निकला हुआ हो तो इन फार्मूलों से डायरेक्टली भी एक्स थ्री फाइनल कर सकते हैं, यानी उसको जरूरत नहीं है एक्स टू निकालने की, इस फार्मूले में ए और बी की वैल्यू सब तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब असल तो हम एरर की तरफ जा रहे थे तो एरर क्या आएगी, ई थ्री विल बी इक्वल टू एक्स थ्री माइनस अल्फा मॉडुलस वैल्यू जस्ट लाइक दिस वन एक्स टू माइनस अल्फा एक्स थ्री माइनस अल्फा एंड विच इज लेस देन, पहले क्या था बी माइनस ए तो अब यहां पे क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन क्यों भाई ओवर टू यही बनेगा ना एक्स टू माइनस है ये देखो ना ए बी जब था तो बी माइनस ए यस सर ठीक हो गया ना फिर इसी तरीके आप हमारे पे एक्स टू मनफी एक्स वन से लेस होना चाहिए अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू एक्स टू एंड एक्स वन हाँ भाई क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू एयर इज दिस वन ए प्लस थ्री बी ओवर फोर यस सर ए प्लस थ्री बी ओवर फोर माइनस एक्स वन एयर इज b minus a plus b over 2 right over 2 this will taking LCM ye kya aa jayega bhai a plus 3b minus 2a minus 2b over 8 isko agar dekhen to this will be equal to b minus a over 8 8 mean 2 power 3 yani दूसरे लफ्जों में E3 should be less than this one. क्यों भाई? आप देखिए थोड़ा सा गौर करें तो X1 में हमारे पास ये आया था ये चीज B माइनस A, B माइनस A, इसे B माइनस A आ रहा है क्या ख्याल है कि हम सिमिलरली इसी को प्रोसीड करते जाएं तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना यस यस सर नीचे भी सीखो जी क्या कहा मैं ने कहा सर नीचे भी बांध रहा 2 आ रहा फिर 2 पावर 2 पावर वही 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 बिल्कुल तो एंड सो ऑन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ई पावर ए की पावर एन ई की पावर एन क्या हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस अल्फा होता है एंड व्हिच विल बी लेस देन बी माइनस ए ओवर 2 पावर एन हो जाएगा 2 की पावर एन यस सर
ठीक हो गया ना, एन प्लस वन अगर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए ओवर टू पावर एन प्लस वन. ठीक हो गया सर. ये लास्ट लाइन में एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन नहीं आएगा? एक्स एन प्लस वन ही है, मैं लिखा था प्लस तो लिखा था, लिखा नहीं गया. ठीक हो गया ना. इसका मतलब मैं ये थोड़ा सा हिस्सा मिटा रहा हूँ, ये हिस्सा अब इसकी जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर दूं, ये हमारे पास ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, हम जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक ये था कि ई एन प्लस वन ओवर ई एन ये लिया था, याद है ना, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा ओवर एक्स एन, मैंने यही डेफिनेशन लिखा था ना, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा मॉडुलस वैल्यू ओवर एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस वन माइनस अल्फा पावर पी. अगर ये चीज हमारे पास सम सी वैल्यू आएगी, इफ वी टेक द लिमिट एट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, तो ये अगर आ जाए तो दिस पी इज सेट टू द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट 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 मेथड. यही हमने डेफिनेशन पी क्या होगा, ये पी क्या होगा, पी इज रियल, डेफिनेशन में हमने लिखा पी एंड सी बोथ आर रियल. ठीक हो गया, दोनों रियल होने चाहिए, यानी पी ये कोई भी वैल्यू हो और इस पे अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लें एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी तो हमारे पास कोई आंसर सी यानी कोई रियल नंबर आता है, दिस इज रियल, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, पी इज सेट टू बी द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दैट मेथड. तो हम कंसिडर कर रहे हैं ये चीज, ये चीज एक्चुअली ये क्या चीज है, दिस इज एरर इन एन प्लस वन टाइप, ये एरर इन ये आ गया हमारे पास. इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लें, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा ओवर एक्स एन माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ गई. ठीक है, विच इज लेस देन व्हाट, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इसकी वैल्यू करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू पावर एन प्लस वन, यस सर, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू पावर एन, क्योंकि यही आती है ना इन दोनों की वैल्यूज. अब ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी और ये चीज क्या बन जाएगी, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस अल्फा मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन वन बाई टू. क्यों भाई, ये देखो ना, ये नीचे आ जाना, ये ऊपर चले जाना, तो एक पावर एन पावर कट जाएगी, बाकी वन बाई टू बच जाएगा. अब ये वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, दिस इज योर सी एंड हियर दिस इज योर पी, यस और एन इनफिनिटी, यानी हमने लिमिटिंग वैल्यू एन बहुत वैल्यू ली, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हियर इंप्लाइज दैट पी इक्वल टू वन इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. वेरी राइट सर. ठीक हो गया ना, कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन. क्लियर? यस सर. यस सर. सर अगर हम पी की वैल्यू कोई और रखते हैं तो कोई हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा? नहीं नहीं, हमने तो प्रूव किया ना कि ये चीज हमारे पास सी आ चुकी है उससे, हमने दोनों को लिया. अभी आप नेक्स्ट जब बाइसेक्शन से आगे निकलेंगे ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टू आ जाएगा, मैं करवाऊंगा अभी अभी वो उसका आंसर. ये आपने याद रखना है, ये आंसर आपके क्वेश्चन जेन में रखें, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हम जब करेंगे ना, हो सकता है वो कल उसकी बारी आए या आ जाए, जैसे भी है, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है. ठीक है ना? ओके सर. हाँ इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन मैं आपका आंसर दूंगा, बेफिक्र मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है. एनी क्वेश्चन? ब्रेक कर लेंगे जी. बिल्कुल ब्रेक करने लगे, बिल्कुल ब्रेक जी. प्लीज बात. जो x3 लिया है x1 plus x2 over 2, इसको इसको सब जैसे हम पीछे लेते आए हैं, जैसे हमने x1 x2 लिया था हमने सर, उसको हम उस तरह से नहीं ले सकते थे x2 के लिहाज से, b एक इधर करके ले रहे हैं ताकि जनरल एक फार्मूला डेवलप हो, आप जहां से मर्जी कर ले आना तो वही है. ठीक हो गया,
उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, माइनस का साइन तंग करेगा, हो जाएगा। ये मैंने आइडियल कंडीशन ली कि एक दफा रूट आपका इधर जा रहा है, एक दफा लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, उससे जरा उसको सॉल्व करना आसान, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी ब्रेक करते हैं, और कितने मिनट के बाद? 20 मिनट्स, आधा घंटे की। मैं बस यही, नहीं यार आधे घंटे, और टाइम पे आ भी जाया करें। एट दिस टाइम यू आर 37 और अटेंडेंस के वक्त आप 43-4 थे। मुझे दोबारा तो नहीं अटेंडेंस लेनी पड़ेगी? नहीं यार, आप बड़े बड़े हैं, मुनासिब नहीं यार, अच्छा तो नहीं लगता ना। आपको देखना, आपका फायदा, मेरे तो फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ये तो आपने सुनी ना। एक चीज याद रखें कि हमारे पास आपका एक एक सेकंड नोट हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि इस जूम के अंदर हमारे पास ये भी पता है कि कितनी दफा आपका नेट ब्रेक हुआ है। यस सर, ये तो आपने बता दिया। मेरा भी सर 2-3 मरतबा हुआ। वो तो बता देता था, हम उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अभी तक मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, है हमारे पास, उन्होंने बताया हुआ है, इसलिए कि मैं अपने तौर पे अपने सोचता जी। मिस्टर समीउल्लाह, नूर रहमान प्रेजेंट सर, ब्रेक इज 30 मिनट या और 20 मिनट? 20 मिनट्स ओनली, 20 मिनट। ओके, टेल समीउल्लाह टू टेक समवट बेटर इंटरनेट फैसिलिटी। यस यस, ओके, इट्स वेरी बेटर। ही इज इन गेट होम एट निंगरहार। यस यस, ही इज इन निंगरहार। हां यस, ही इज एट होम। ओके, यस सर, इंशाल्लाह वी विल सी यू आफ्टर नमाज। यस, नमाज के बाद मिलते हैं। ओके ओके सर,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर जी। 20 मिनट हो गया ना? यस सर। यस सर। It's very, very important. Now, next topic is the bisection method is slow method. By awaaz, no talking, please. Switch off yours. Main note ke taur pe likh raha hu ek ke jaisa ki aapko pata hai ke number one. The bisection method is slow. Slow method. Which increases. Increases accuracy of one D in decimal places. 1 D भी कह सकते हैं simply अगर आप इसको लिखना चाहें तो 1 D भी लिख लेते हैं बाद में हम इसको capital D. In decimal places, in 3 to 4 iterations. ये question आ सकता है भाई कि you will have given the question like this one कि how the method bisection method increases the accuracy of 1D in 3 to 4 iterations. How कैसे? तो ये it's very very important. ये तीन इसके हमारे पास points हैं इसके अंदर note के अंदर. तो these three are very very important. इसका solution है actually what it means by एक्चुअली आप देखें कि 3 से 4 आइटेशंस के बाद यू विल गेट 1 डेसिमल प्लेसर एक्यूरेसी इन बाइसेक्शन मेथड. इट मींस 7 to 8 आइटेशंस के बाद आपके पास 2 डेसिमल प्लेसर तक एक्यूरेसी आती है. वाइल इन न्यूटन रैफसन तो वो तो बहुत तेज है तो उसके अंदर तो बड़ी तेजी के साथ बाद 3-4 आइटेशन के बाद हम 10 डेसिमल प्लेसर तक भी हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है. तो इसके अंदर हमारे पास कैसे इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. As we know, that अगर मैं ये लिखूं कि 1/16 is less than 1/10 is less than 1/8 कोई हर्ज तो नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि 16 is greater than 10 is greater than 8 अगर रेसिप्रोकल करूं डेफिनेटली साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. क्यों भाई? यस सर. ये क्यों लिया? एक्चुअली ये जो चीज है इसको मैं ये कह सकता 2^4 इज लेस देन ये हमारे पास 0.1 है और दिस इज 1/2^3 ये वैल्यू है. ठीक है ये वैल्यू आ गई. इसी तरीके से आल्सो मैं अगर ये ले लूं कि 1/1/8 ये मैं इसको चेंज कर रहा हूं जरा क्लियर हो जाएगा ना. 1/1/8 इज लेस देन 1/100 विच इज लेस देन 1/64 जस्ट लाइक दिस वन
128 greater than 100, which is greater than 64. ये हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है. अगर इसको लें तो दिस इज 1/2^7 सॉरी, ये 0.01 और दिस इज लेस देन 1/2^6. क्यों भाई? Yes, sir. दरमियान में मैं एक्यूरेसी ले रहा हूँ. मैं ये नंबर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे नंबर ले रहा हूँ जिन पे वहां पर 2/7 आ रही है इनके दरमियान में, और वो कंसेक्यूटिव नंबर हैं 2/6, 2/7, 2.3, 2.4. सिमिलरली अगर मैं इसको ये कर दूं कि 1/2^10 यानी 1/ मैं 1024 ले लेता हूं, 1/1000 इज लेस देन 1/512. ये बन जाता है 1/2^10, 0.001 इज लेस देन 1/2^9. भाई अपने माइक म्यूट कर दे. ये हमारे पास इसको हमने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पे ये किया कि 1024 इज ग्रेटर देन 1000 विच इज ग्रेटर देन 512. ये वैल्यू हमारे पास है. सिमिलरली एंड इसी के से अगर आप जाएंगे तो 1/2^14 इज लेस देन 0.0001 एंड विच इज लेस देन 1/2^13. इस चीज से आपको क्या चीज मिलती है कि अगर हमारे पास ये आपको याद है ना कि ये 1/2^4 का मतलब ये 4 आइटेशंस के बाद, 3 आइटेशन के बाद याद है ना वो चीज हमारे पास जो हमने की कहा था कि b माइनस a ओवर 2^n, तो n जो है वो नंबर ऑफ आइटेशन को दे रहा था. तो यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है, यानी इन बिटवीन 3 और 4 यू विल गेट 1 decimal places accuracy. In between 6 to 7 iterations, you will get 2 decimal places accuracy. From 9 to 10 iterations, you will get approximately 3 decimal places accuracy. And similarly, in 13 to 14 iterations, you will get 4 decimal places accuracy. So, ये चीज़ें इसको prove करती है कि किस तरीके से आपका bisection method जो है बहुत slow है, और how it is converging and how it is approaching towards its real root. दोनों काम जो नेक्स्ट दो नोट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट नोट नंबर 2. Number 2, ये हमारे पास है. आपको ये तो पता ही है, since we know that xn minus alpha, the error at nth root will be equal, will be less than. अभी last time हमने prove किया कि b minus a over 2^ ये होता है, किया था ना हमने प्रूव. एक्स एन प्लस वन होता है यहाँ 2n/n+1 हो जाता है, ठीक है. तो यहां से ये हमने प्रूव, देयरफॉर ये जो b माइनस a दिस इज सेट टू बी इज एरर बाउंड. ये इससे एरर इससे कम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. यानी मैक्सिमम एरर अगर आप कहेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी का बी का पता चल गया, ए का पता चल गया, एन का आपको पता है, तो आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और बी अगर आपको मालूम है तो ए और बी अगर ये रखें तो कितनी आइटेशन के बाद कितनी एरर होगी, वो आपको ये फैक्टर दे देगा. इज एरर बाउंड, इज एरर बाउंड राइट एट nth iterations. T
फॉर बाइसेक्शन मेथड। अब मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा। यानी एरर बाउंड का मतलब आप ये भी कह सकते हैं इसकी बजाय कि मैक्सिमम एरर, बाउंड का मतलब यही है ना कि एरर शुड बी लेस देन दिस वन, तो मैक्सिमम ये होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। सपोज मैं कहता हूं यहां पे ए हमारे पास 0.5 है एंड बी इज गिवन टू यू एस 0.6 एंड एन इक्वल टू 10, तो देन क्या होगा, बी माइनस ए ओवर 2 पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 2 पावर 10, दिस विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 1026 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.000098। इसका मतलब ये वो 1, 2, 3, 4, अगर इसको हम राउंड करें तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी, 3D आ जाएगी, एक्यूरेसी अप टू 3D। क्यों भाई, ये 9 अगर 1 बड़ा है ना तो ये राउंड हो जाएगा ना, ये नॉन जीरो रह जाएगा, तो हमारे पास 3 जीरो आ रही है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 3D। इफ मैं यहाँ आपको आसानी के लिख देता हूँ, इफ 9 जो है लेस देन 5 होगा तो देन एक्यूरेसी क्या होती है हमारे पास, विल बी 4D, 4 डेसिमल। यानी अगर ये 9 जो है से 4 आ जाता या 5 आ जाता या 4 से लेस 5 से लेस आ जाता तो ये 4 जीरो आ गए थे, तो ये हमारी एक्यूरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 आइटेशन रखते हैं, ए और बी की वैल्यू ये इतनी क्लोज रख रहे हैं, ए और बी की वैल्यू इतनी क्लोज आ रही है कि 0.5 और 0.6 है, तो आपके पास 3 decimal to 4 decimal प्लेस तक एक्यूरेसी आएगी। और अभी हमने ऊपर भी यही किया है ऑलमोस्ट कि अगर हमारे पास 10 आइटेशन होती हैं तो हमारे पास तकरीबन 3D एक्यूरेसी हमारे पास आती है, वहां पे भी वही चीज है। ये एक और तरीकेकार है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगा हूं, हम आपको कुछ भी दे देते हैं, मैं आपसे ये कह देता हूं कि फाइंड एरर बाउंड बाउंड फॉर x5 + 6x² - 3x + 7 = 0, वेयर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 एंड एन इक्वल टू से 14। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को कोई फायदा है? हाँ भाई, वो कहीं यहाँ इस्तेमाल हुई, हैव यू यूज दिस इक्वेशन हियर? नो 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 वेयर नो सर, दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द इक्वेशन, इट जस्ट डिपेंड अपॉन ए बी एंड एन। ए और बी को रिफाइन कर लें, ए और बी जितना क्लोज हो जाएंगे उतना आपके पास बेहतर एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है ना। एन जितना ज्यादा कर देंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी, तो दिस इज सेड टू बी एरर बाउंड, क्लियर? इस तरीके से भी आप एरर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों भाई, क्लियर है? अभी आगे चले, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है पड़ी। जी प्लीज प्लीज। यस सर, थोड़ा रिपीट कर देंगे टाइम में। अच्छा, मैं कंफ्यूजन अगर बता सकते हैं कि क्या है, तो कंफ्यूजन का मतलब होता है कि यू हैव सम कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दिस, तो मैं ये वैसे रिपीट कर देता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू 0.5, बी इज 0.6 एंड एन इक्वल टू 10,
तो द एरर बाउंड इज दिस वन, ये तो आपको पता है ना कि एरर बाउंड बी माइनस ए ओवर टू पावर एन, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द एरर बाउंड, दैट इज दिस विल बी द मैक्सिमम एरर, योर एरर मस्ट बी लेस देन दैट वन अकॉर्डिंग टू दिस दिस स्टेटमेंट, एरर शुड बी लेस देन दिस वन, तो एरर इससे कम होगी। अब हमारे पास क्या होता है कि हम इक्वेशन लिख देते हैं, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द एरर बाउंड फॉर दिस इक्वेशन एंड यू विल बी गिवन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन ऑल्सो, तो आप पता क्या करते होते हैं, आपने क्वेश्चन को सॉल्व शुरू करना कर देना, ए इक्वल टू फाइव पुट किया, बी अब एन इक्वल टू सेवन फोर्टीन तक लेके गए और उसकी एरर फाइंड आउट करना शुरू कर, भाई देयर नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट फाइंड द एरर बाउंड, यू डजंट नीड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द एरर बाउंड फार्मूला विच इज बी माइनस ए ओवर टू पावर एन, After putting these values, you will get some answer. तो ये हमारे पास क्या होगा, और ये याद रखिएगा कि when the difference of these will be less, the much accurate the answer will be. जितने ये close होते जाएंगे उतना answer graphically भी आप देख सकते हैं, ये देखो ना ये चीज हमारे पास, say this is your A, this is your B, तो हमारे पास इन दोनों का difference ज्यादा है तो आपके पास error ज्यादा आएगी इससे जब भी लें, अब आपके पास ए और बी ये आ गए बिल्कुल क्लोज आ गए, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दिस वन, यानी जितने ए, अब ए ये आ गया बी ये है, अगर ए यहाँ आ गया बी यहाँ आ गया और क्लोज हो गया तो आपकी एरर और कम होती जाएगी, तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आर लेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन देन द एरर विल बी लेस, ठीक है, तो यानी आप अपने एग्जैक्ट रूट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, यू आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट अल्फा विच से दिस इज योर अल्फा, तो ये हमारे पास इसका मकसद था, और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन की, ए और बी की जरूरत और एन की जरूरत है, ठीक है, और व्हेन यू इंक्रीज दिस वैल्यू डेफिनेटली यू विल गेट मोर एक्यूरेसी, तो इसका फायदा क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर ए और बी की वैल्यूज को एट एंड ट्रायल मेथड से इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें और उससे आप उसकी एक्यूरेसी को चेक कर से एन को फिक्स कर दें तो एक्यूरेसी उससे बेहतर हो सकती है, आप ए और बी को जितना क्लोज लेते जाएंगे उतना आपके पास एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, से आप कहते हैं कि मैं ए को ले रहा हूँ, से मैंने कहा कि ये 0.5 लिया ये 0.6 ले लिया, मैं ए को ले लेता हूँ 0.05 राइट और बी को मैं ले रहा हूँ 0.06 तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी, मस्ट बी इट विल बी 4 डी, क्यों ये इनका डिफरेंस थोड़ा हो गया 0.1 से कम हो गया 0.01 और ये जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 0.00001 समथिंग आ जाएगी, तो एटलीस्ट योर एक्यूरेसी विल बी 4 डी, अगर आप ए और बी को फिक्स कर देते एन को आप वेरी करते जाए तो आपको एन जो जो इंक्रीज करेंगे योर एक्यूरेसी विल बी इंक्रीज, यानी यू विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर एग्जैक्ट ट्रूथ दैट इज अल्फा, राइट, क्यों भाई? यस सर, कोई क्वेश्चन? शाबाश, नहीं सर, थैंक यू सर, ओके, तो इसको हम नेक्स्ट थर्ड हम देख रहे हैं कि हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, जो पता थर्ड नंबर पे नोड नंबर 3, अभी हम तो बाइसेक्शन पे हैं, तो पहले दिन ही मुझे किसी ने फतवा लगा दिया, साहब ने एक दिन में 5 करवा लिए, मैथड क्यों भाई बैठे हुए असद, पहले दिन साहब ने 5 मेथड करवा दिए कि 4 मेथड करवाए असद, क्यों भाई अभी तो हम पहले मेथड पे यार, जी सर जी सर, वो तो मैंने रिवीजन करवाई थी बीएस लेवल की ना, वो बी एस लेवल में वो चीज होती है, असल काम तो आप हमारे पास जो कि आपने बी एस में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा जी जी जी, दिस इज नंबर 3, ये हमारे पास 3 नंबर पे क्या है, इट्स आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ आइटेशंस, ये क्या है, टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द लीस्ट
iterations. Required. By the by section method, finding KD approximation, KD accuracy. यहाँ पे K जो है decimal places है, say K is any number, real number, K is any integer, say 5D accuracy, accurate result, ठीक है ना, accurate root क्या ले, of this equation, say f of x equal to 0, lying in the interval a b. अगर आप a b interval आपके पास given है, तो how many iterations you have to perform to get k d accurate root? K d mean suppose k is equal to 5. How many iterations you need to perform to get 5 d accurate root? To get 6D accurate root, so what should be the value of K? So what should be the number of iterations? यहाँ पे हमने number of iterations पे focus करना है कि how many iterations should be? ये हमारे पास how many? ये चीज we know, बल्कि हम यहाँ पे consider कर लेते हैं और ये हमारा result already किया हुआ है कि B minus A over 2 power n is less than or equal to 0.5 into 10 power minus k. क्या ख्याल है? लिखा जा सकता है? ये मैंने पास से लिखी वाली. ये वही चीज़ ही है. b minus a हम उसे suppose कर लेंगे say 0.5 है. 2 power n जो है वो मैंने 2 power k minus k कह दिया. ये iteration में ले लिया ना? तो उसके हमारे पास k की accuracy देती है say. हमारे पास आ गया ये रिजल्ट हमारे पास आ गया अगर मैं इसको ये लिख दूं कि b minus a over 2 power n is less than equal to 1 over 2 ये 1 over 2 होता है और ये 10 power k आ गया कोई फर्क तो नहीं पड़ता इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में अगर इसको मैं रेसिप्रोकल ले दूं तो यहां यूं भी लिखा जा सकता है 2 पावर n ओवर b माइनस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इनटू 10 पावर k दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स b माइनस a क्योंकि हमारा काम यहां पे n को फाइंड आउट करना है हमारा फोकस वही है कि हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस तो n हमारे पास क्या होना चाहिए तो b माइनस a को इधर रहने दो बाकी को उधर ले जाते हैं तो b माइनस a into 2 into 10 पावर k अब अगर हमें यहां पे वैल्यू फाइंड करना तो हम लॉग भी ले सकते हैं टेकिंग लॉग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा n log of 2 हो जाएगा क्यों भाई पावर नीचे आ गई greater than equal to log of b minus a plus log of 2 plus k times log of 2 ये value हमारे पास है sorry 2 नहीं 10 तो 10 है sorry ना भी लिखते बखयाल से तो 1 होता है this equal to 1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n log of 2 greater than equal to log of b minus a plus log of 2 plus k और since we have to find the value of n तो n should be greater than equal to बाकी से divide कर लें log of
log of 2 plus k over log of 2. Number of iterations should be greater than this one. Should be greater than this one. जितना आंसर आया उसे एक ज्यादा कर लो, इक्वल हो सकती है उसे एक ज्यादा या उससे एक इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी आ गया ना. नंबर ऑफ आइटेशन पे किस पे डिपेंड करती है? दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ आइटेशन एन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? डिपेंड्स अपॉन किन किन चीजों पे? ए बी एंड के, तीन चीजों पे. मीनिंग कितनी एक्यूरेसी आप चाहते हैं, हाउ मच यू एक्यूरेसी नीड, केडी, हाउ मेनी केडी एक्यूरेसी यू नीड, व्हाट इज योर सिलेक्शन ऑफ योर ए एंड बी. तो तीन चीजों पे आपके पास ये डिपेंड करेगी. आप ए बी और के की वैल्यू यहां पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने एक्यूरेसी तक आपको एक्यूरेसी चाहिए, कितनी आइटरेशन आपको करनी. से एन की वैल्यू आप इसको एक मिनट, अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपका आंसर आता है 19.2, तो जारी बात है एन शुड बी नंबर ऑफ इटरेशन, इट शुड बी सम नंबर. तो आपने इसको एक्यूरेट कर लेना किसके 20 की, कि कम से कम हमें एन इक्वल टू 20 चाहिए, 20 आइटरेशन होंगी, अपर इसको फिक्स करना है, राउंड करना, अपर राउंड, लोअर नहीं. यानी कम से कम इतनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती हैं. तो इससे ज्यादा वाली बात जब भी होगी तो वो 20 होंगे. इन नंबर ऑफ इटरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और मोर टू गेट जो भी हमारे पास के की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू ए और बी की वैल्यू सब. हाँ जी पूछे भाई जी, को पूछने लगा था क्वेश्चन. अब यहां पे क्वेश्चन आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो वहां पे उस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये तीनों नोड जो लिखवाए उसमें इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इन विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आइटेशंस, हाउ मच आइटेशन वी हैव टू परफॉर्म टू गेट सम केडी एक्यूरेसी, हाउ मच आइटेशन वी हैव टू फाइंड आउट द एरर बाउंड एंड सो ऑन. क्लियर? इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. Yes, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी 15 से 20 साइटेशंस लें और उसके बाद इस फॉर्मूले से चेक करें कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो क्या आपके पास एन की वैल्यू का फर्क आ रहा है. के को फिक्स कर लें, कभी के को फिक्स कर लें, कभी आप उसको फिक्स कर लें. जी शाहजेब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेथड तो समझ आ गए हैं, थोड़ा सा ना एक चीज कंफ्यूजन है, वो ये कि मतलब जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है ये अलहदा मेथड है कि इसी में न्यूटन रॉफसन और सारे जो मेथड है चार्ज सिर्फ बाइसेक्शन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं. मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट करेंगे कोई इक्वेशन आ जाती है तो वो अलहदा अलहदा मेथड से मतलब अलहदा अलहदा सॉल्व होगा कि बाइसेक्शन जब आप कहेंगे तो हमने न्यूटन रॉफसन भी लगाना है और नहीं, नहीं, नहीं. देखो क्वेश्चन तो जब दिया जाएगा तो डेफिनेटली यू विल बी गिवन वन और टू मेथड्स के सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस मेथड. ठीक होगा ना? तो जो मेथड कहा जाएगा उसी से सॉल्व करना ना. नहीं समझ आ रही? आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर मेथड लगाना जरूरी है, ये पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें एक इक्वेशन देते हैं और कहते हैं इसे बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करें तो वो सिर्फ बाइसेक्शन से सॉल्व करेंगे कि आगे सिर्फ बाइसेक्शन से? जी सर ठीक, एक से ही करना. जी जी सर जी ठीक. लो जी अब हम जा रहे हैं फिक्स पॉइंट मेथड पे. कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? जैसा कि हमने कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस में हमारे पास न्यूटन रॉफसन में बड़ी सिंपल सी बात है कि एफ प्राइम एट एक्स नॉट शुड नॉट इक्वल टू जीरो. और फिक्स पॉइंट में हम निकालेंगे फिर उसके बाद बाकी के हम निकालेंगे कि कंडीशन क्या होती है. और अभी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बाकी के फाइंड आउट करने हैं, अभी तो मैंने बाइसेक्शन किया. लो भाई
नंबर टू पहले बाइसेक्शन था, नंबर टू पे हमारे पास फिक्स पॉइंट मेथड। एक आंसर जो कि आपका क्वेश्चन पेंडिंग था, मैंने कहा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन वन, याद है ना कहा था? यस सर। मैंने कहा इसको सपोज कर लें, अभी रख लें, बाद में बता देंगे, तो आज मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, इसकी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, कंडीशन कन्वर्जेंस। अच्छा भाई एक चीज नोट करें, मैंने अभी जो ऊपर जो बाइसेक्शन मेथड के लिए वो निकाला था n इक्वल टू p इक्वल टू 1, दैट वाज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस है, किस कंडीशन पे ये कन्वर्ज करती है, और बाइसेक्शन मेथड जो है हर कंडीशन पे कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता ही नहीं, इससे उसकी जरूरत ही नहीं, राइट? क्योंकि ए और बी निकालो और उसके बाद आपके पास काम शुरू, कभी भी डाइवर्ज नहीं हो, कभी भी डाइवर्ज नहीं होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर फिक्स पॉइंट मेथड? सपोज दैट हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स एन प्लस वन फिक्स पॉइंट के लिए, जी ऑफ एक्स एन फॉर n equal to 0, 1, 2, up to so on is the iterator formula. Iterator formula, formula for fixed point. जी जी वो बंद कर लो, क्यों धमाके किए जा रहे हो? आइटरेटिव फार्मूला फॉर फिक्स्ड पॉइंट मेथड फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। सपोज हम इसके अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या आ रहा है? सपोज सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन और क्या है एक्स नॉट एक्स वन अप टू सो, और ये क्या कर रही है कन्वर्जिंग टू वर्ड्स एग्जैक्ट रूट दैट इज अल्फा। सी अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट एंड दीज एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन दीज आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द एक्स दिस वन, ठीक है? यानी उनका डिफरेंस जो है एक्स नॉट माइनस अल्फा का फर्क जो है एक्स वन माइनस अल्फा से ज्यादा है, एक्स टू बन फिर अल्फा और कम हो जाता है एंड सो ऑन, हमारे पास कन्वर्जन कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है ना? और अल्फा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एग्जैक्ट रूट है, ये है एग्जैक्ट रूट। आपको बार बार मैं लिख देता हूँ वरना कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सेम नोमेनक्लेचर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट एक्स एन विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन, ओ भाई ये कैसे आ गया, एक्चुअली ये था एक्स एन माइनस अल्फा इक्वल टू, क्यों भी किया ना पहले भी एरर एनथ एरर क्या होगी एक्स एन माइनस उसके रूट में से, yes, sir. तो मैंने उसको अल्फा को उधर ले गया हूं, तो वो एरर में अगर ऐड कर दी जाए क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेनी होती है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एक्स एन प्लस वन विल बी अल्फा प्लस ई एन प्लस वन, और हमें ये भी पता है कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू also x n plus 1 is equal to g of x n, this is your our fixed point method,
जनरल फार्मूला, ये ऊपर दिया भी मैंने ये वाली वैल्यूज, राइट। अब अगर मैं इसको ये कर दूं कि एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा, एक्स एन प्लस एन माइनस अल्फा, तो ये चीज किसके इक्वल होगी, जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ अल्फा ओवर एक्स एन माइनस अल्फा। क्या ख्याल, लिखा जा सकता है? हाँ भाई, अगर आप इसको करना चाहें तो एक स्टेप पहले एक ये भी कर लें कि से एक्स एन प्लस वन इज इक्वल माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, किसके इक्वल है एक्चुअली, अल्फा प्लस दिस वन, ठीक है ना। और दिस मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जी एक्स एन माइनस जी ऑफ अल्फा, ये भी लिखा जा सकता है ना, क्यों भाई? इसमें से ये जो एरर है वो एरर किसके है, दिस इक्वल टू ये एन प्लस वन, सॉरी ये एन ही आ गया, एन एन माइनस जी ऑफ अल्फा। एक और चीज है फिक्स पॉइंट के अंदर, अगर आप लिखना चाहें तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था एक्स इक्वल टू जी ऑफ अल्फा, सॉरी जी ऑफ एक्स, या आर यू मे राइट इट एज जी ऑफ अल्फा, ये असल में मैंने लिखा है। दोनों तरफ मैंने अल्फा ये सब्ट्रैक्ट कर दी, ये वैल्यू क्या थी एक्स एन प्लस वन, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, इसमें से मैंने अल्फा सब्ट्रैक्ट किया और इसमें, एंड बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है भाई? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है या नहीं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बाकी एक आखिरी पॉइंट आ जाना। ये देखो ना, ये चीज हमने फिक्स पॉइंट में, हमारे पास क्या होता है, मैंने सबसे जब पहली लाइन लिखी थी फिक्स पॉइंट के अंदर, तो मैंने ये कहा था हमने x इंटर x की वैल्यू फाइंड करनी है, और राइट साइड पे भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x होगा, और इसको हमने नाम दे दिया था फिर एक्स एन प्लस वन का, और इधर एक्स एन दे दिया था, मैंने यूं कहा था। थोड़ी सी बात अगर शुरू की याद रखेंगे तो ये हमने लिखा था यूं। अब यहां पे अगर इस चीज को लें हम, तो क्या ख्याल, मैं इसको लिख सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू जी ऑफ अल्फा, अगर एक्स की वैल्यू अल्फा रखते तो ये लिख सकता हूँ। इस दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा इसकी लेफ्ट साइड, और इसमें से ये सब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बस ये काम किया, ये माइनस जी ऑफ अल्फा, क्यों भाई समझ आ गई? ये वाला चीज, ये हुई नहीं बांधी, एक्स एन माइनस अल्फा इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ अल्फा, और डिनोमिनेटर हमारा वही रहा, दोनों तरफ मैंने एक्स एन माइनस अल्फा एक्स एन माइनस अल्फा किया, इसी से डिवाइड किया, ठीक है? हाँ भाई, क्लियर है? क्या अभी को कमजोर दिल रहते हैं? यस सर, यस सर, क्लियर है सर? समझ आ गई? कमजोर दिल रहते हैं? क्लियर है सर। ओके। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो राइट साइड पे हमारे पास ये क्या बन जाता है, अगर ये इसको ये कहूं, ये सारी की सारी क्या चीज है, मीन वैल्यू थ्योरम लगता है? हाँ भाई, यस सर। चलो इसको अगर मैं यूं कर दूं कि ये वैल्यू सारी की सारी जो है ना, ये जी लेस देन जी प्राइम ऑफ एक्स आई, तो लिखी जा सकती है एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा ओवर एक्स एन माइनस अल्फा इज इक्वल टू सम जी प्राइम ऑफ एक्साई, से एक्साई लाइज बिटवीन दिस एंड दिस एक्स एन एंड अल्फा, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई, क्यों भाई? ये सारा का सारा नीला जो मैंने इसको हाईलाइट किया है ब्लॉक के अंदर डाला है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, एम वी टी, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एफ ऑफ प्राइम टी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, तो यही तो मैंने लिखा है जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ अल्फा, तो जी ये एक्स एन और ये अल्फा माइनस अल्फा, वही चीज नहीं लिखी, तो ये हमारे पास अगर ये चीज सेटिस्फाई करती हो तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एफ प्राइम ऑफ सी व्हिच लाइज बिटवीन ए एंड बी, यही होता है ना, yeah, 110% ए बी ओपन, राइट? तो ये हमारे पास, मैंने कहा तो ये चीज आ गई। और अगर मैं इसको ये कह दूं कि एक्स एन प्लस वन
minus alpha is equal to g prime of xi into xn minus alpha. तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा कि मैंने उसको इधर डिवाइड किया. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. टेकिंग मॉडुलस वैल्यू, दोनों तरफ मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं. तो व्हाट विल बिकम, इट विल बी दिस वन, लाइक दिस वन. और अगर अलग अलग मैं इसको कर दूं तो ये लेस नहीं हो जाएगी. और ये वैल्यू में अगर डेरिवेटिव की निकाल दूं विच इज मॉडुलस वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा. मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स एन माइनस अल्फा. ये तब इससे लेस होगी, यानी नेक्स्ट साइटेशन की एरर जो है वो पिछले वाली से तब कम होगी अगर इफ जी प्राइम ऑफ एक्साई मॉडुलस वैल्यू शुड बी लेस देन वन, स्ट्रिक्टली लेस देन वन. तब ये भी स्ट्रिक्टली हो जाएगी, इसको छोड़ दे. क्यों भाई? कि अगर ये लेस देन वन हो जाए, ये लेस देन वन हो जाए, ठीक है ना. ये तो इक्वल थी ना मेरे पास, ये इक्वल थी. मैं कहता हूं कि इसको मैं लेस देन वन कर देता हूं. एक छोटी चीज को हम निकाल रहे हैं तो छोटी चीज निकाली जाती है तो साइन क्या आ जाता है, इनक्वालिटी का आ जाता है. तो ये वैल्यू ये कब होल्ड करेगी, ये कब होल्ड करती है? अगर ये होल्ड करती है इट मींस कि यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा, यानी नेक्स्ट साइटेशन की एरर प्रीवियस साइटेशन की एरर से कम आ रही है. यानी यहां पे जो मैंने फिक्र लिखा था, यहां पे आइटरेटिव फार्मूला फॉर द फिक्स पर x नॉट x1 x2 आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट. ये हमने शुरू में कहा कि दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन x नॉट x1 x2 व्हिच इज कन्वर्जिंग टू आवर एग्जैक्ट रूट. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास लेस देन वन हो. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर फिक्स पॉइंट मेथड. तो इंप्लाइज दैट क्या हमारे पास हुआ, g प्राइम ऑफ xi, xi क्या है हमारे पास, दिस इज द इनिशियल गैस, g प्राइम ऑफ x नॉट कोई भी आप ले लें, तो दिस इज लेस देन वन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर फिक्स पॉइंट मेथड. हमें समझ आ गई कैसे आई? यस सर. इट्स ओके. अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूटन राफसन मेथड की कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं. अभी आज ही क्या हुआ, ब्रेक भी लेते हैं, अब तो सायरन नहीं बजेगा यार, डोंट वरी, आज तो गाड़ी भी पकड़नी नहीं है. हा? क्या ख्याल है सर, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिक्स हो जाएगा. आपके लिए एक हफ्ता बहुत है और नेक्स्ट वीक आपकी क्लास भी नहीं होगी. 23 मार्च को आई थिंक हमारे पास छुट्टी होती है और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 30th ऑफ मार्च और उस वक्त आप इसको बिल्कुल आराम आराम से अलग अलग कर लेना. राइट जी, राजी बड़ा काम हो गया. यहाँ तक क्वेश्चन है तो बता दो. सर मेरा क्वेश्चन जी प्लीज. जी सर, अगर हम मॉडुलस वैल्यू जो है वो लेस देन ले रहे हैं तो इक्वलिटी का जो इनइक्वलिटी का साइन है वो दूसरी तरफ नहीं आएगा? देख लो यार, और अगर हम एक लेस देन वन वैल्यू स्किप कर रहे हैं तो इक्वलिटी दूसरी तरफ नहीं. नहीं नहीं नहीं, ये अगर एक से कम होगी तो ये खत्म करेंगे तो इनइक्वलिटी तो आनी आनी है, उसको खत्म कर दिया ना. मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं, मिसाल मैं आपको यूं कर देता, ये कलर पकड़ लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि सपोज 8 इज इक्वल टू 0.1 इनटू 80, राइट? हाँ भाई. यस सर. ठीक है ना. अब ये क्या है, ये क्या वैल्यू है, लेस देन वन है ना. इसको मैं गायब करने लगा हूं, अब इनक्वालिटी क्या आएगी, बात समझ आ गई? जी सर. उसको गायब किया है,
यानी जब भी आप लेस देन वैल्यू खत्म करेंगे तो वो चीज बड़ी होती जाएगी, ये बड़ी होती जा रही है जिसको हम खत्म कर रहे हैं, जहां से ये इससे और छोटी कोई वैल्यू होती है और बड़ी हो जाती। मैं इसको जीरो कर दे, ये कर देता हूँ यहाँ पे, ये जीरो में यहाँ लगा के ये करता हूँ तो फिर ये 800 आ जाता, और छोटी बड़ी हो जानी थी। क्या ख्याल सर? क्लियर है। ओके सर। जी जी प्लीज। सर फिक्स पॉइंट का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इसका अभी तक हमने फाइंड आउट तो नहीं किया, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज पे कि आपने फंक्शन कैसा लिया। इसलिए जैसे बाकियों का फिक्स था, इसका फिक्स नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना बदलता रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ योर एक्स जी ऑफ एक्स। वो जो मैंने आपको बताया था ना उस दिन, तीन चॉइस बताए थे। Yes, sir. तो तीनों में से मुख्तलिफ होगा, किसी पे आइटेशन नंबर ऑफ आइटेशन ज्यादा हो जाए, किसी पे कम हो जाए। ठीक है। हाँ अलबत्ता वी कैन मेक इट रैपिड, कैसे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा या उससे नेक्स्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। हाउ वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटेशन इन फिक्स पॉइंट। ठीक है सर, थैंक यू। लो भाई ये मेरे अलावा भी वालेकुम सलाम। क्या हुआ? ओ भाई बाद में कर लेना, कौन बोल रहे हैं? लो भाई क्योंकि अभी हमने कंडीशन फाइंड आउट की और कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, और वो उसी को इस्तेमाल करते हुए अब हम न्यूटन रैफसन मेथड की कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं, बस फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह। द नंबर टू, पहले नंबर पे हमने फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट किया, द न्यूटन रैफसन मेथड। ये क्या फाइंड आउट करनी है हमने? कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। सिंस न्यूटन रैफसन मेथड इज xn plus 1 will be equal to xn minus fxn over f prime at xn, ये वैल्यू दिस इक्वल टू। अब यहां पे अगर मैं इसको ये कह दूं कि इफ इट इज अ या इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, कैसे ये एक्स एन प्लस वन आ रहा है? आपका फिक्स पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? दिस इक्वल सम दिस वन लाइक दिस वन, ये सारा एक्स एन माइनस वन में एक्स एन में आ गया, इसका मतलब ये फॉर्म बन गई ना, तो ये फिक्स पॉइंट तो मेथड आ गया हमारे पास, तो दिस इज अ फिक्स पॉइंट मेथड। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स। क्या मतलब कि हमारे पास फिक्स पॉइंट के लिए क्या होता है? x इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। तो ये जी ऑफ एक्स जो बना है ना वो हमारा ये हो गया, क्यों? अकॉर्डिंग इन दोनों को कंबाइन करें तो ये जी आ गया। ये जी ऑफ एक्स कैसे? इसको हमने जी ऑफ एक्स कह दिया। अब इसका ले लो डेरिवेटिव, सॉरी जी प्राइम ऑफ एक्स, ये तो आ गया वन माइनस दिस इज your v formula we will use f prime of x f double dash double dash niche wale ka square karenge na to isko hum waise rakhenge upar wale ka derivative minus wo f of x waise rakhenge niche wale ka derivative ye aa gaya right yes sir so if we take the lcm we will get f prime of x iska square माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये भी होल स्क्वायर, क्यों भाई दोनों जैसी टर्म्स है ना, ये दोनों के दोनों, तो ये माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स होल
स्केल, ये दोनों एक जैसी टर्म्स है, ये तो होगी कैंसिल एक प्लस एक माइनस के साथ, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स होल स्केयर। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता है अभी, क्योंकि हम फिक्स पॉइंट मेथड को लेकर चल रहे हैं तो उसमें क्या होती है कि g प्राइम ऑफ x शुड बी लेस देन 1, क्यों भाई, तो कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस इज g प्राइम ऑफ x मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन 1 इंप्लाइज, यानी ये लेस देन 1 हो जाएगी, इंप्लाइज कि ये चीज क्यों लेफ्ट ये लेस देन, ये दोनों बराबर ये लेस होनी, तो f ऑफ x f डबल प्राइम ऑफ x ओवर f प्राइम ऑफ x होल स्क्वायर इज लेस देन 1, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर न्यूटन रैफसन मेथड, ये वाला। अब आपने क्या करना है, आप तक पहुंचना था तो फिर मैंने बात करनी थी ना, तो ये आप तक पहुंच गए। व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर फॉल्स पोजिशन मेथड मेथड एंड सीकेंड मेथड, दो रह गए थे, दो आपके जिम्मे, देखिएगा कुछ बुक्स वगैरह भी काम आ जाएंगी, और आपका जो है ना नेट भी है वहां पे काम आएगा, किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते, तो ये दिस इज असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। लास्ट डेट सबमिशन बिफोर नेक्स्ट क्लास, तेरी बात अगली क्लास तो होनी नहीं, लंबा अरसा दे देते ना। सर एलएमएस पे अपलोड करेंगे हम, सर एलएमएस पे अपलोड करेंगे। मैं इसके लिए ना दो तरीके कर रहे हैं, अगर एलएमएस में मुझे अभी आपके सारों के आईडी नहीं है, सारों को एक्सेस मिल गई है एलएमएस की, किसी को एक्सेस नहीं मिला? नो सर, मेरे बेस्ट है सर, लास्ट जी मैं आपको ईमेल कर दूं, ईमेल तब करूंगा। हमारा एडमिन कौन है भाई, आप में से स्टूडेंट कौन सी यार के फ्राई सर सर अंजाम दे रहा है, और कोई मिसिंग हो इनसे सारों से पूछ भी लीजिएगा, राइट, ठीक होगा ना? ठीक है सर, तो मैं अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको ईमेल करूंगा, यू हैव टू रिप्लाई इन दैट ईमेल, ओके? यस सर, ठीक हो गया, ओके सर, एनी क्वेश्चन? यस सर, मैं आप तो अपने घरों में बैठे, मैं भी यहीं पर जी जी, एनी क्वेश्चन? नो सर, टीचर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, व्हिच इक्वेशन, असाइनमेंट, दिस इक्वेशन इज एन असाइनमेंट, assignment find the condition okay. of convergence for false position method and secant method, you have to use and take false the position false position method, you have learned false position method or regular yes. falsi method, one and the same thing, and secant method, okay। अच्छा भाई, अगर किसी को कोई नहीं मिला आपके कोई ये हमारा रिकर्सिव जूम लिंक था,
ہر دفعہ آپ اسی لنک کے ذریعے ایکٹیو ہو جائیں گے. اویس آپ نے کام کرنا کہ 6 بجے ہر کلاس والے دن اس زوم لنک کو دوبارہ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اینی کوسچن؟ نو کوسچن دین اوکے. ہاں بھائی اور تھینک یو سو مچ ٹیچر. تھینک یو سو مچ. تو یہ نوٹ وغیرہ مل جائیں گے؟ سمیع اللہ از ہیر. Yes, 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 Samuel is here. Hey, you are enjoying in Afghanistan? Hmm? Yes, 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 this is a good weather. Okay, okay, okay. Okay, ji, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hey, you know, Waalaikumsalam. Ji, 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 bataiye. Kya batana cha rahe, pooch rahe? Sir, main pooch raha hu, ye notes mil jayenge jaise last time notes مل جاتے تھے آپ دے دیتے تھے. اس دفعہ تو میں نے یار لکھوایا ہی نہیں ہے, پچھلی دفعہ تو لکھنے والا تھا. جی تو کیا لکھے ہوئے تو مل رہے ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں؟ جی جی وہ تو نوٹ کر لیا, وہ تو نوٹ کر لیا. کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. جہاں پرابلم ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو اس کے نوٹس پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اوکے سر, تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.